हे गाइस, आज हम बनाएंगे हमारी दादी की पंजाबी कढ़ी। ये काफ़ी टेस्टी बनती है और इसमें कुछ काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पकौड़े बना लेते हैं। तो थोड़े से प्याज में डालें बेसन, इसमें डालें आप कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया, धनिए के बीज जिनको हमने दरदरा पीसा हो, और नमक स्वाद अनुसार। इसमें हल्का सा पानी मिला के पकौड़ों का बैटर तैयार कर लीजिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों को कई लोग कच्चा कच्चा रखते हैं, कई लोग क्रिस्पी रखते हैं, लेकिन हमारी रेसिपी में इनको क्रिस्पी रखना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर आप पकौड़ों को क्रिस्पी रखेंगे यानी इनके अंदर का मॉइस्चर एकदम सुखा देंगे तो ये कढ़ी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, तो इसलिए आप इनको क्रिस्पी ही रखें। अब हम अपनी कढ़ी का घोल तैयार कर लेते हैं। तो दो कड़छी बेसन में पाएं 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिए का पाउडर, बिल्कुल हल्की सी दही और 1/2 चुटकी पिसे हुए मेथी दाने का पाउडर। इसको बहुत अच्छे से फेंट लें। अब इसके अंदर डालें बाकी की दही और एकदम सिल्की होने तक इसको फेंटते रहें। गाइस, आपको इसको तब तक फेंटना है जब तक आपको इसके अंदर कोई लम्स ना दिखे। इसमें बहुत सारा पानी डाल के आप इसको बिल्कुल ही एक पतला सा इसका घोल बना लें। गाइस, पानी डालने में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना आप पानी डालेंगे उतना आपके पास ज़्यादा स्कोप होगा कि आप अपनी कढ़ी को ज़्यादा देर तक पका पाएँ। जितनी देर तक कढ़ी पकती है उतनी वो टेस्टी बनती है। ध्यान रखें, दही आपकी खट्टी होनी चाहिए तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। आप ले थोड़ा सा तेल, इसके अंदर डालें जीरा, उसके अंदर डालें मेथी दाने और हींग के दाने। इसके बाद हमें डालना है अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने 1/4 कप अदरक और लहसुन लिया है। उसके अंदर डालें आप हरी मिर्चें। जब ये थोड़ा सा भुन जाए इसके अंदर आप डालें लाल मिर्च जो साबुत वाली होती है, यहाँ पे मुझे राउंड वाली मिली थी, और लंबे कटे प्याज। हल्का सा इसको साइड में करके ये जो तेल है इसके अंदर डायरेक्टली डाल दें लाल मिर्च। गाइस, अब अपनी कढ़ी का घोल हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस कढ़ी को हमें मिनिमम 1 आवर तक पकाना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। आखिरी के 10 मिनट में हमने इसके अंदर कसूरी मेथी और धनिया डाल देना है। कढ़ी को सर्व करने से पहले इसके अंदर हम पकौड़े मिलाएंगे और एक छौंका लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने राई और हल्की सी अजवाइन का छौंका लगाया है। अब देखिए हमारी कढ़ी रेडी है। ये कितनी ही सिल्की और कितनी ही स्मूथ लग रही है। गाइस, हमने इसको परोसा है घर के बने गाजर गोभी के अचार और प्याज के सलाद से। आप कैसे भी परोस सकते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू।